बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। बहुत ख़ूबसूरत दुआ जवान नस्ल के लिए जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं, वो मर्द है या औरत, लड़का है या लड़की। इंशाल्लाह खैर से शादी के, स्पेशली जो हमारे यूथ ऑफ पाकिस्तान आर यू नो फास्ट अप्रोचिंग द एज ऑफ मैरिज, ये एक बड़ी ख़ूबसूरत दुआ है। ये दुआ मैं समझता हूँ कि जो गैर शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा भी हैं, ये दुआ आप हमें याद होनी चाहिए, अक्सर मांगते रहना चाहिए। अरबी ऑफ कोर्स याद कर लीजिए, तर्जमा आपको पता होना चाहिए। देखिए कितनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है। रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनी वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। सूरह फुरकान इंतहाई ब्रिलियंट सूरह, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आप ज़रूर तर्जमा पढ़िए। उसकी आयत 74 है, 74 नंबर। उसमें अल्लाह पाक देखिए खुद हमें दुआ सिखाते हैं। इसका तर्जुमा देखिए, अल्लाह कहते हैं और जो दुआ करते रहते हैं, इसमें पीछे से एक मज़मून चला आ रहा है जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों का, रहमान के बंदे जो उसके बंदे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके औसाफ बयान किए हैं कि वो ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। एंड पे अल्लाह ने फरमाया है और जो दुआ करते रहते हैं, ऐ हमारे रब हमको अपनी बीवियों, देखिए अजवाज होता है जौजा, स्पाउस होता है वैसे, यानी मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। तो ये औरतें भी मांगें दुआ, जो हमारी जवान बच्ची हैं, और बच्चे भी मांगें जिनकी शादी हैं और जो शादीशुदा हैं। ऐ हमारे रब हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की जानब से आंखों की ठंडक बख्श, आमीन, और हमको परहेजगारों का सरबराह बना। कितनी खूबसूरत दुआ है, सुनिए। और जो दुआ करते रहते हैं कि ऐ हमारे रब हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की जानिब से आंखों की ठंडक बख्श और हमको परहेजगारों का सरबराह बना। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनी व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।